आज हम बीएससी पास्ट फर्स्ट ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के गैसेस स्टेट चैप्टर में वर्ल्ड के टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा पहले कि यदि दाब वर्ल्ड के नियम के अनुसार यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो दाब के विभिन्न मानों पर पी और वी का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट होता है, एवं यदि पी वी के विभिन्न मानों और पी और वी के गुणनफल के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वह एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। यह बात सिर्फ आइडियल गैसों के लिए लागू होती है, एवं सभी गैसें आइडियल गैस की तरह व्यवहार नहीं करती हैं एवं इस तरह का वक्र प्राप्त नहीं होता है। अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड मीथेन के बीच में यदि पी वी और पी के मध्य ग्राफ खींचा जाए, मतलब पी के मान बढ़ाने पर पी और वी के गुणनफल पर यदि ग्राफ खींचा जाए तो वह एक सीधी रेखा प्राप्त ना होकर इस तरह का प्राप्त होता है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए है, पी वी का मान दाब के बढ़ाने पर लगातार बढ़ता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड मीथेन गैसों के लिए पहले इसका मान कम होता है एवं फिर बाद में बढ़ता है। मतलब इस टेम्परेचर इन दाब का मान बढ़ाने पर पीवी के मान में पहले तो डीपनेस आती है और फिर बाद में यह ऊपर बढ़ता है। इसके लिए यदि हम टेम्परेचर का इफ़ेक्ट एमागेट वक्र में देखा जाए कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट इनके ऊपर क्या पड़ता है, तो इसके लिए हम नाइट्रोजन का ग्राफ लेते हैं। नाइट्रोजन के ग्राफ में हम यदि पी वी और पी के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो हमें इस तरह का प्राप्त होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर इसके ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट देखते हैं, मतलब टेम्परेचर -70 डिग्री से 25 डिग्री, 20 डिग्री और 50 डिग्री, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाती हैं यह डीपनेस कम होती जाती है एवं गैस आदर्श गैस की तरफ बढ़ने लगती है, अर्थात ताप बढ़ने पर पी वी और पी के वक्र में नमन में कमी आती जाती है। ताप में वृद्धि से गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन कम होता जाता है और एक विशेष टेम्परेचर पर नमन बिंदु पी वी अक्ष पर पहुंच जाता है, अर्थात गैस आदर्श गैस की तरफ व्यवहार की तरफ अग्रसर होती है, तथा यह व्यवहार ताप के थोड़े से अंतराल के लिए होता है। इस दाब के अंतराल में गैस निश्चित ताप पर आदर्श गैस के लिए व्यवहार करती है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के लिए वह टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब के इस अंतराल में वॉयल के नियम का गैस पालन होता है। दाब इस ताप पर वॉयल टाइप इस टेम्परेचर को हम वॉयल टेम्परेचर तथा इस बिंदु को हम वॉयल बिंदु भी कहते हैं, जिसे हम टी और बी से व्यक्त करते हैं, अर्थात वॉयल टेम्परेचर वह ताप है जिस पर वास्तविक गैस ताप के एक सूक्ष्मतम परिसर में आदर्श गैस अर्थात पी वी इजिकल टू एन आर टी के नियम का पालन करती है। और नाइट्रोजन गैस के लिए यह टेम्परेचर पहले ही बताया 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, एवं अन्य गैसें जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए वॉयल का टेम्परेचर -165 डिग्री सेंटीग्रेड एवं -240 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात वॉयल के टेम्परेचर पर एक निश्चित ताप पर गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगती है, आदर्श गैस की तरफ अग्रसर होगी इस तरह से, और यह एक निश्चित दाब पर ही होगा। और यह जो आदर्श गैस की तरफ नाइट्रोजन व्यवहार, नाइट्रोजन एक वास्तविक गैस है, आदर्श गैस के लिए वह उस समय के लिए एवं एक निश्चित टेम्परेचर, वह टेम्परेचर होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड एवं दाब एक निश्चित दाब पर ही वह गैस
मतलब हम किसी गैस को, वास्तविक गैस को, एक निश्चित टेम्परेचर और निश्चित दाब पर ही कुछ देर के लिए ही आदर्श गैस बना सकते हैं, जिस कारण तब वह पीवी और वी के इस वक्र की तरफ अग्रसर होगी। यह टेम्परेचर वर्ल्ड टेम्परेचर कहलाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।